रामविलास शर्मा ने किया नामांकन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है। और देखिए तस्वीरें नामांकन करने की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, उसके बावजूद भी देखिए रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और बड़ी जानकारी, रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी की अभी 3 सीटें बची हैं। नाम के ऐलान से पहले ही पर्चा भर दिया है रामविलास शर्मा ने। देखिए 2019 के चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब रामविलास शर्मा को टिकट दी गई लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी तक 3 सीटें बची हैं, जिसमें कि सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी, जिसको लेकर अभी तक बीजेपी ने तस्वीरें साफ नहीं की हैं। अब महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, उसके बावजूद देखिए नाम के ऐलान से पहले ही रामविलास शर्मा ने नामांकन पर्चा भर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन किया है रामविलास शर्मा ने, तो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज रामविलास शर्मा जो है नामांकन कर सकते हैं। अब देखिए बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, और बड़ा अपडेट आपको दे दे, बड़ी खबर बता रहे हैं, नाम के ऐलान से पहले ही पर्चा भरा है रामविलास शर्मा ने। तो रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, यह नामांकन किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। तो महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन कर दिया है। फिलहाल बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार को की लिस्ट जारी नहीं की है। महेंद्रगढ़ से कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है बीजेपी ने, लेकिन किसी भी प्रत्याशी के नाम के ऐलान से पहले ही रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन महेंद्रगढ़ सीट से, महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा भरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन भरा। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है, तो नाम के ऐलान से पहले ही पर्चा भरते हुए नजर आ रहे हैं रामविलास शर्मा। अक्षय यादव संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अक्षय, देखिए बीजेपी की तरफ से फिलहाल 3 सीटें अभी बची है, जिनमें कि महेंद्रगढ़ भी अभी शामिल है, जिस पर कोई भी प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन रामविलास शर्मा ने प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही नामांकन कर दिया है, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामविलास शर्मा के द्वारा कुछ देर पहले जो नामांकन है वो भरा गया है, लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशी की जो घोषणा नहीं की गई है, हरियाणा की जो 3 सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, उसके बावजूद रामविलास शर्मा की तरफ से ये नामांकन है वो दाखिल किया गया है। और उसमें नामांकन में भी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी जो लिखा गया है, और उसकी तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है कि वो बीजेपी पार्टी की तरफ से एक जो लिखित में इनको जमा करवाना होता है उसको फॉर्म बोलते हैं, वो फॉर्म अभी तक जमा नहीं किया है। वो फॉर्म जमा होने के बाद ही माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। वहीं इसी के अलावा मैं बता दूं कि रामविलास शर्मा से पहले एक और आरएसएस से जुड़े हुए रिटायर्ड जो हेडमास्टर, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नामांकन महेंद्रगढ़ के अंदर किया गया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार उनकी घोषणा नहीं की गई है। चर्चा है कि कुछ देर में जो लिस्ट आएगी और उसमें हो सकता है कि रामविलास शर्मा का नाम हो, और कुछ देर में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वो भी आज पहुंचेंगे। दरअसल दो सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, एक में 67 उम्मीदवार थे, दूसरी में 21 उम्मीदवार थे, लेकिन उसमें महेंद्रगढ़ का नाम नहीं था। 3 सीट को होल्ड किया था, जिससे यहाँ रामविलास शर्मा के जो कार्यकर्ता उनके अंदर भी नाराजगी थी, और कल ही रामविलास शर्मा के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि कल वो अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। उसके बाद एक सभा बुलाई गई और सभा के बाद अब सीधे लघु सचिवालय में पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया जी। बिल्कुल अक्षय, देखिए जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है और उसमें महेंद्रगढ़ का नाम पहले भी नहीं था, दूसरी लिस्ट में महेंद्रगढ़ का नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि रामविलास शर्मा या तो खुद अपने बेटे के लिए सीट का मांग करते हुए नजर आ सकते हैं उम्मीदवार के लिए, या फिर खुद भी सीट के दावेदार हो सकते हैं। अब ऐसे में ये तस्वीरें भी देख पा रही हूं जहां पर रामविलास शर्मा नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की अब इसके बाद क्या कुछ रह सकता है अक्षय? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रामविलास शर्मा है पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता से उठकर वो कैबिनेट मंत्री तक रहे, 2 बार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और 1991 की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 1 सीट आती थी, उस समय रामविलास शर्मा है वो यहाँ से विधायक चुने जाते थे। उसके बाद 2014 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद पूर्ण रूप से जो भारतीय जनता पार्टी उसको बहुमत हासिल हुआ था, सरकार बनाने में कामयाब रहे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन अब की बार भी वो दावेदारी महेंद्रगढ़ सीट से कर रहे थे, लेकिन 2 सूची जारी होने
में भी उनका नाम नहीं आने से कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर कर सकती है, क्योंकि इतने कद्दावर नेता और वरिष्ठ नेता और पुराने समय से पार्टी से जुड़े हुए नेता का नाम इस लिस्ट में, दो लिस्ट में नहीं आया, तो ये संभव था कि कहीं ना कहीं अब की बार बदलाव हो सकता है। उसको लेकर लगातार मंथन जारी था। हालांकि टिकट की घोषणा अभी भी नहीं है, लेकिन रामविलास शर्मा की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी नामांकन किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, इस बार जो पैरामीटर्स थे बीजेपी के, जो भी 2019 में चुनाव हारे हैं कहीं ना कहीं उनकी टिकट कटती नजर आ सकती थी, ऐसे में कई लोगों की टिकट भी कटी है। और फिलहाल इसी को लेकर देखिए रामविलास शर्मा जो आश्वस्त नहीं थे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, और कहीं ना कहीं इसलिए वो नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह से बीजेपी के पैरामीटर थे उसके बाद मंथन भी किया गया, लेकिन कई जो पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसमें चाहे उम्र का पैरामीटर हो चाहे अन्य जो चुनाव हार चुके नेता उनको लेकर पैरामीटर, तो कई पैरामीटर अब की बार टूटे भी है, क्योंकि परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी जहां बात करती थी वो अब की बार राविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी टिकट दिया है, तो उसके बाद चर्चा ये भी थी कि रामविलास शर्मा के बेटे वो यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, उसके बाद चर्चा चली कि नारनौल से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो दूसरी सूची थी उसके अंदर जो रामविलास शर्मा है को ये क्लियर हो गया था कि नारनौल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट हो गया था क्योंकि ओम प्रकाश यादव को वहां टिकट दे दिया गया था। उसके बाद आज रामविलास शर्मा के द्वारा जो पार्टी की जब टिकट का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले ही एक नामांकन सभा के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो उनके जयराम सदन पर पहुंचे, और वहां पर आज कार्यकर्ता पहुंचे भी और रामविलास शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और करीब 50 सालों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे के अंदर उसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा राम तुलाराम चौक पर पहुंचे और राम तुलाराम चौक पर उन्होंने जो माल्यार्पण किया, उसके बाद सीधे लघु सचिवालय में पहुंचे और आपकी जो नामांकन की प्रक्रिया वो क्या उन्होंने पूरी की है। अभी कुछ देर में वो जयराम सदन पर पहुंचेंगे जहां पर आज आरती राव की जो नामांकन सभा थी कनीना से, वहां से सीधे जो केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह है वो इनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ अब विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बीजेपी की जो टिकट रामविलास शर्मा को ही देगी या कुछ और महेंद्रगढ़ सीट पर होने वाला है, क्योंकि अभी तक देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का क्या कुछ रुख रहता है इसको लेकर। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए महेंद्रगढ़ सीट से रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का क्या कुछ रुख रहता है महेंद्रगढ़ सीट से, क्या रामविलास शर्मा को ही टिकट मिल पाती है या फिर कोई अन्य चेहरा सामने आता है।